जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते हैं। देखिए गाइस, इंडियन एयर फोर्स में भारतीय वायुसेना में भर्ती आ चुकी है 2021 की। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पूरे भारत के सभी छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिना दौड़ के होगी बंपर भर्ती। योग्यता क्या रहेगी, किस तारीख से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिन बच्चों का सपना भारतीय वायुसेना में जाने का है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। देखिए गाइस, AFCET 2021 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप इस फॉर्म को 1 जून से भर सकते हैं। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2 की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को जुलाई सत्र में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके तहत ट्रेनिंग के बाद 334 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCET 2 के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द जारी किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन 1 जून से 30 जून तक भरे जा सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल चेक कर सकेंगे। यह है इसकी वेबसाइट, आप लोग देख सकते हैं। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCET 2 की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को जुलाई सत्र में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके तहत ट्रेनिंग के बाद 334 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आपको बता दें कि एयरफोर्स की तरफ से कॉमन एडमिशन टेस्ट की परीक्षा एक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। पहली परीक्षा फरवरी में होती है, जबकि दूसरी परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाती है। आवेदन की प्रक्रिया आप लोग देख लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप 12 पास हैं और आपके जो नंबर हैं 50% नंबर हैं यदि आपके 12 हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास होना जरूरी है 50% नंबर के साथ। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास स्नातक की भी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास VE BTEC की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की आयु 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप 25 वर्ष से ज्यादा हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, अभ्यर्थियों को अविवाहित भी होना चाहिए, यानी कि आप शादीशुदा यदि हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है अविवाहित लोगों के लिए है, विवाहित लोगों के लिए नहीं है। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन लिखित एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के बाद किया जाएगा। चयन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर प्राप्त कर सकेंगे जल्दी। आवेदन की फीस की बात कर लेते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ₹250 फीस देनी होगी। अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, वो शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन। मैंने आपको बोला था कि AFCET यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके जो फॉर्म हैं आप 1 जून से फिल कर पाएंगे। 1 जून से 30 जून के मध्य में आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लगभग मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका जो ये PDF है मैं सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन करें यदि आप इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।